चंबा में मनोहर के हत्याकांड के मामले में बिलासपुर में हिंदू परिषद व हिंदू संगठनों ने तेज बारिश के बीच कॉलेज चौक से चेतना चौक होते हुए डीसी कार्यालय तक रोष रैली निकाली। इस दौरान खूब नारेबाजी भी की गई। यह रैली हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री कमल गौतम व विभिन्न हिंदू संगठन के तत्वाधान में निकाली गई। वहीं पर कमल गौतम ने दो टुक में कहा कि मनोहर हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हो और जल्द से जल्द उन दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। 8 टुकड़े करके उसकी नृशंस हत्या की गई, उसके विरोध में आज संपूर्ण हिंदू समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने इस कुकृत्य को किया है उनको 90 दिन के भीतर फास्ट ट्रायल कोर्ट में उनका मुकदमा चलाया जाए और उनको इस हत्याकांड के लिए फांसी की सजा दी जाए। इस प्रकार की घटनाओं के लिए देवभूमि हिमाचल में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सरकार को भी और प्रशासन को भी, यदि ये जो बाहर से आने वाले लोग हिमाचल का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, जिहादी मानसिकता को लेकर के जो लोग यहां आकर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले लव जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं, यदि सरकार उनको नहीं रोकती है तो हिंदू समाज अपने आप रोकने में समर्थ है, सक्षम है। और जब हम रोकने पर आएंगे तो फिर हम नहीं रुकेंगे। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं इस्लामिक जिहाद से हिमाचल प्रदेश की जनता जीरो टॉलरेंस के साथ निपटेगी।